हेलो एवरीवन दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जो बच्चा डीयू के अंदर एडमिशन्स लेना चाहता है सेशन दो हज़ार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपकी कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी है आ, चाहे आप यूजी के अंदर पीजी के अंदर एम या पी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के तो वीडियो के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये डी यू एडमिशन्स प्रोसेस टू बी बिगेन ऑनलाइन टूडे ये न्यूज़पेपर आपका सैटरडे का है तो इसके अंदर न्यू दिल्ली से जो आपकी न्यूज़ आई है टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ प्रोसेस फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ वेरियस अंडर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट एम पी एंड पी एच डी कोर्सेज इज़ सेट टू बिगेन ऑन सैटरडे यानी कि आपके शनिवार रात से स्टार्ट हो चुके हैं आपके एडमिशन्स एप्लीकेंट कैन विजिट द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन सैटरडे एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स एप्लीकेंट जो है वो आप शनिवार से क्या कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं और कोर्स जिस भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उसको रजिस्टर कर सकते हैं लास्ट ईयर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी वो आपकी मई तीस से लेकर 22 जून तक करवाई गई थी फर्स्ट कट ऑफ जो थी अनाउंस की गई थी वो 28 जून को की गई थी लास्ट ईयर की बात है ये लेकिन अब की बार जो एडमिशन प्रोसेस हैज़ है डिले किया गया है वो आपको कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के कारण किया गया है आपको पता ही है द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ओपन आपका सैटरडे को हुआ था और एप्लीकेंट रजिस्टर कर सकते हैं टिल फोर जुलाई चार जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हो स्टूडेंट्स को विल गिवन ए सेकेंड चांस दोबारा चांस दिया जाएगा अपडेट देयर मार्क्स मार्क्स को अपडेट करने के लिए द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है तो इसी वजह से उनको दोबारा से जो कमेटी है उनको रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही दोबारा से एक अपडेट करने का मार्क्स को आपको मौका दिया जाएगा ठीक है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन क्रिसिस सीबीएसई है डी शेड्यूल द ऑल रिमेनिंग क्लास ट्वेल्थ एग्जाम द एग्जाम्स ऑफ मेजर ट्वेल्व मेजर सब्जेक्ट्स नाउ शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस बिटवीन वन जुलाई एंड फिफ्टीन यानी कि आपके एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच में जो प्लस टू के रिमेनिंग एग्जाम्स हैं वो आपके मेजर एग्जाम्स वो हो जाएंगे जबकि हाउ आर वाइल्ड हियरिंग प्लेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेस हैज़ आस्क द बोर्ड कंसिडर अल्टरनेटिव लाइक मार्किंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट इंस्टीड ऑफ एग्जाम्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई जो ये पैंडेमिक चल रही है आपकी इसको देखते हुए क्या प्लस टू के जो रेमेनिंग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आपके तैयार होकर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये वी आर नॉट श्योर दैट अभी तक हम को, किसी भी तरीके से श्योर नहीं है कि कट ऑफ डेट सिंस विद डोंट नो वैन सी बी एस सी रिजल्ट विल डिक्लेयर जैसे result declare hoga, तो ही सी बस सी रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सी बी एस सी की जो कट ऑफ होगी अनाउंस की जाएंगे लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी श्योरिटी नहीं है ठीक है एज पर द टेंटेटिव प्लान स्टूडेंट्स विल बी अबाउट टेन डेज़ टू एंटर देयर मार्क्स फॉलोइंग सी बी एस सी रिजल्ट द फर्स्ट कट ऑफ विल बी रिलीज अ वीक लेटर जैसे ही आप अपने मार्क्स अपने ऐड कर दोगे वहाँ पर अपडेट कर दोगे तो उसके आप वन वीक के बाद ही आपकी जो कट ऑफ है रिलीज कर दी जाएगी डी यू ऑफिसियल सेड रिक्वेस्टिंग एनोमिटी तो यानी कि जो डी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारी सारी अपडेट्स आपको आफ्टर वन वीक के बाद अपलोड करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की जो कट ऑफ आएगी वो उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी ठीक है भाई इसके अलावा आपके कोई भी क्वारी है डाउट है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या नीचे आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही थैंक यू हैव ए गुड डे